अरे भूतनी के क्यों भूतों की इज्जत दोबारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड नाइट। फाइनली हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर का टेंशन खत्म, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामना एडवांस में। थैंक यू। तो आज का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस मिस्टीरियस प्लेस वाला नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। नहीं, हम लोग का प्लान कुछ और ही था, बड़ा मूर्ति देखने गए थे, बड़ा सस्पेंस मिल गया, सरप्राइज मिल गया कुछ ज्यादा ही। अच्छा, तो आज कुछ एक नए इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला है, ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेस, वो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ ऊपर है, एक्चुअली बहुत ऊपर है, तो ऊपर जाने के बाद जन्नत देखने को मिलेगा। तो गेस करो अभी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर निकलेंगे तो सनराइज का असली सीन, सनराइज का अब देखने को मिलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ टाइम, अभी टाइम हो रहा है 4:31, 4:30 बजे मैं यहाँ से तैयार होकर अब निकलूंगा। तो फाइनली तैयार होके चले अब तो मिस्टीरियस प्लेस की तरफ। तो गाइस, अगर किसी को हमारे साथ आना है तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा। तो गाइस, नंबर देने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा, भैया को परेशान कोई नहीं करेगा। तो अब चले जन्नत की तरफ। बाय। फाइनली बाहर आ गए हम लोग, और चलिए अब बढ़ते हैं सीधा। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे भैया के। आए हाय हाय, नाम लिया भैया हाजिर। क्या हाल है भाई जान, कुछ तो दिख नहीं रहे मोबाइल में। लाइट में आओ, लाइट में आओ, लाइट में आओ। क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। असली लौंडों की तरह जय हिंद दोस्तों नहीं बोलूंगा। आए हाय हाय, और मेरा हेलमेट कहाँ है? वो तो ऊपर रह गया। जाओ जाके ले आओ, मेरे हाथ है। जाओ जाके ले आओ, क्योंकि चाबी आपके पास है। रूम में चाबी हमने उसको कॉल करो, वो दरवाजा खोल देगा, अभी जस्ट लॉक किया है तो सोया नहीं होगा। तो फिर मैं अभी जाऊंगा। ये भैया भी ना इतने परेशान करेंगे, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। अपने हेलमेट ले लिया, मेरा हेलमेट कौन लेगा? मेरे जरा भी फिकर नहीं है। नॉक नॉक टाइम। एफबीआई ओपन अप। सरप्राइज दिख रही। अरे बड़ा जाहिल इंसान था, पता नहीं कौन था, देखने से तो अमजद भैया ही लग रहे थे। इतने जाहिल होंगे मेरे को नहीं मालूम था, जाहिल इंसान। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो फाइनली हेलमेट और ग्लव्स दोनों मिल गया, अब चले सीधे सफर की तरफ। तो गाइस चला है अब अपनी मंजिल की तरफ। तो क्या आज कहाँ जाने वाले भैया? अच्छा बिल्कुल बताते, चलिए फिर चलते हैं सफर पे। किलोमीटर और 20 22 हाँ। वो देखो 22 किलोमीटर लिखा हुआ है हमारे। आपके मोबाइल में कितना बता रहा है?
गया, पानी हो गया, पीना हो गया, सब कुछ हो गया, अब चले सीधी है मंजिल की तरफ। मंजिल बटन, मंजिल फिलहाल अभी बंद है, 6 बजे के बाद खुलेगा। खुल गया, खुल गया। एक तो 6 बज रहा है। हमको भी नहीं मालूम है, तो भैया से पूछते हैं। भैया अभी फिलहाल हम लोग 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अभी 1000 है और है 2500 होगा, मतलब असली यूटर्न अब से शुरू होगा। और पीछे का अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट उठ अभी हम लोग थोड़ा फोटो शूट उठ करेंगे। मैं अभी इधर 3 लगाया हूँ, 1 2 फिर ये 3, फिर भी मजा आ रहा है। तो गाइस अब चलिए ऊपर का नज़ारा थोड़ा सा इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बाकी का बात तो हम लोग सफ़र में ही नहीं करेंगे क्योंकि सफ़र की वाट लग गई है। मज़ा आया लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली है। दोस्तों के साथ आओ, घूमो फिरो, मजे मौज मस्ती करो जितना अच्छा होगा। और ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है तो कुछ गलत सही होगा तो माफ करना। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा सफर की तरफ। जैसा कि आपने देखा अभी हम लोग नंदी, आप जैसे पीछे देख रहे होंगे ये सारे लोग नंदी हिल्स विजिट करने के लिए आए हुए हैं। कोई ना, हम आधा घंटा मार लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये लोग अब असली मजा अब शुरू होने वाला है क्योंकि अब सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को सनराइज देखने में आया है। मैं सब कुछ लेकर आया था, ट्राइपॉड सब, सनराइज अच्छे से दिखाऊंगा, पर जैसे अभी लग रहा है वैसे हमको नहीं लगता कि सनराइज अब कुछ देखने को मिलेगा। पर सन देखने मिल जाएगा, राइज नहीं, राइज फिर कभी दिखा। तो गाइस अब हम लोग एक काम करते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं ऊपर, क्यों ना, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि सनराइज तो नहीं मिला पर उम्मीद है हरियाली अच्छे से देखने को मिलेगी। राजा जी अपनी शक्तियों को पहले वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। क्या चीज के लिए? टिकट। अच्छा, टिकट के लिए? टिकट भी देना, आपको टिकट देना पड़ता है? 70 रुपया लगेगा डिपॉजिट। नहीं, मेरा मतलब इसे है कि आपको भी टिकट देना पड़ता है, आप तो थोड़ा जाने माने आदमी हो ना, हस्ती अच्छे खासे, बड़े बच्चों को भी टिकट लगता है। लेकिन हमको तो नहीं लगता, आपका लगता होगा। ओ तेरी, आप इंसान हो? हाँ, पता चलता है गाड़ी किस तरीके से चला रहे थे, 115 110, समझ में आता है। वो हवाई जहाज चलाने का एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा, हवाई जहाज चलाने का एक्सपीरियंस। हाँ, आप ट्रेजेडी के बारे में बताना। मेरा हॉर्नेट ग्रीन कलर का है। ओके, एक और हॉर्नेट था ग्रीन कलर का, ठीक है, आगे उठा के झाड़ी में फेंक दिया था। मैं डर गया था, मुझे लगा मेरा गाड़ी सही है, फिर जाके देखा नहीं, मेरा गाड़ी सही था, किसी और का गाड़ी गया है।